dinosaur is lost. जॉर्ज का मनपसंद खिलौना है मिस्टर डायनासोर। डायनासोर। जॉर्ज को मिस्टर डायनासोर बहुत पसंद है। कभी कभी जॉर्ज को मिस्टर डायनासोर से पैपा को डराने में मजा आता है। वो बहुत डरावना है। खाने के वक्त मिस्टर डायनासोर जॉर्ज के पास बैठते हैं। ये क्या हो रहा है? ये तुम थे जॉर्ज या फिर मिस्टर डायनासोर? डायनासोर। नहाने के समय जॉर्ज मिस्टर डायनासोर को अपने साथ नहलाता है। गुड नाइट पेपा। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट जॉर्ज और गुड नाइट मिस्टर डायनासोर। जब जॉर्ज सोने के लिए जाता है तो मिस्टर डायनासोर भी उसके साथ सोते हैं। जॉर्ज का मनपसंद खेल है मिस्टर डायनासोर को ऊपर हवा में उछालना और उन्हें पकड़ना जब वो वापस नीचे गिरते हैं। पेपा और डैडी पिग ड्रॉट्स खेल रहे हैं। मैं जीत गई डैडी। ओह, शाबाश पेपा। जॉर्ज, जॉर्ज क्या बात है बेटा? डायनासोर। जॉर्ज, मिस्टर डायनासोर खो गए क्या? जॉर्ज ने मिस्टर डायनासोर को खो दिया। फिक्र मत करो जॉर्ज, हम मिस्टर डायनासोर को ढूंढ लेंगे। ये तो एक जासूस का काम है। डैडी, क्या होता है ये जासूस? पेपा, जासूस एक खास व्यक्ति होता है जो चीजें ढूंढने में माहिर होता है। चीजें ढूंढने में माहिर हूँ। तो ठीक है, पेपा ही जासूस है। जॉर्ज, मैं हूँ जासूस। मैं मदद करूंगी मिस्टर डायनासोर को ढूंढने में। मुझे लगता है जासूस को जॉर्ज से कुछ आसान से सवाल पूछने चाहिए। जॉर्ज, मिस्टर डायनासोर कहाँ है? जॉर्ज नहीं जानता कि मिस्टर डायनासोर कहाँ है। जासूस को सोचना चाहिए कि मिस्टर डायनासोर कहाँ हो सकते हैं। मुझे पता है, मुझे पता है वो कहाँ है। जॉर्ज जब भी नहाता है मिस्टर डायनासोर उसके साथ होता है। तो मिस्टर डायनासोर टब में होंगे। मिस्टर डायनासोर टब में नहीं है। ओह, मुझे पता है, मुझे पता है मिस्टर डायनासोर कहाँ है। जॉर्ज हमेशा रात को मिस्टर डायनासोर को अपने बिस्तर पर सुलाता है, इसलिए वो वहीं पर है। मिस्टर डायनासोर जॉर्ज के बिस्तर में भी नहीं है। ओह, शायद हमें गार्डन में ढूंढना चाहिए। हाँ, गार्डन। मैं वही कहने वाली थी। मिस्टर डायनासोर कहाँ है? मिस्टर डायनासोर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। मिस्टर डायनासोर यहाँ कहीं नहीं है। जॉर्ज, तुम्हें मिस्टर डायनासोर को हवा में उछालना पसंद है। मुझे लगता है इस बार तुमने मिस्टर डायनासोर को थोड़ा ज्यादा ऊपर उछाल दिया है। वो वहाँ है, वो वहाँ है। मैंने उन्हें पहले देखा। शाबाश पेपा, तुम सच में एक बहुत अच्छी जासूस हो। जॉर्ज मिस्टर डायनासोर को वापस पाकर बहुत खुश है। शायद पेड़ों के पास डायनासोर से खेलना एक अच्छा आइडिया नहीं है। पेपा अपनी सबसे अच्छी सहेली सूजी शीप का इंतजार कर रही है। हेलो सूजी। हेलो पेपा। सूजी शीप पेपा के साथ खेलने के लिए आई है। पेपा को सूजी पसंद है।
सूजी को पेपा पसंद है, वो पक्की सहेलियां हैं। पेपा, क्यों ना तुम और सूजी बेडरूम में जाकर खेलो? ठीक है मम्मी। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। पेपा और सूजी को पेपा के बेडरूम में खेलना अच्छा लगता है और जॉर्ज को भी। नहीं जॉर्ज, ये खेल सिर्फ बड़ी लड़कियों के लिए है, जाओ और अपने खिलौनों से खेलो। पेपा और सूजी एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी परियों की राजकुमारी हूँ। मैं अपनी जादू की छड़ी घुमाने वाली हूँ और तुम्हें एक मेंढक बना दूंगी। जॉर्ज को अपने आप खेलना अच्छा नहीं लगता। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। नहीं जॉर्ज, मैं सूजी के साथ खेल रही हूँ, तुम कहीं और जाकर खेलो। जॉर्ज पेपा के साथ खेलना चाहता है, वो अकेला महसूस कर रहा है। जॉर्ज, मुझे मदद चाहिए, मैं चॉकलेट चिप कुकीज बना रही हूँ। जरा बोल में से चक्कर बताओ। जॉर्ज को कुकीज बनाने में मम्मी की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन उसे पापा के साथ खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन हमारा मरीज कौन बनेगा? पेपा और सूजी को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है और जॉर्ज को भी। पेपा जॉर्ज की धड़कन सुनती है। जॉर्ज, अब एक लंबी सांस अंदर लो और फिर खांसो। मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा ढीला है, मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ। मुंह खोलो प्लीज। सूजी जॉर्ज का टेम्परेचर चेक करती है। ओ डियर, तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार है, मेरे ख्याल से तुम्हें 3 साल तक आराम करना होगा। डैडी पिग जॉर्ज को देखने आए हैं। ओ नहीं, क्या हुआ है जॉर्ज को? चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ खेल है, जॉर्ज हमारा मरीज बना है। ओ समझा, क्या हम मरीज से मिल सकते हैं? सिर्फ थोड़ी देर के लिए, वरना वो थक सकता है। कुकीज। हाँ, ये जॉर्ज के लिए है, ये उसकी दवाई है ताकि ठीक हो जाए। माफ करना डॉक्टर, मेरी मदद कर सकती हो? मेरा पेट दुख रहा है, इसमें गुदगुदी होती है। मैं इसके गुड़गुड़ सुन सकती हूँ, मुझे लगता है आपको भूख लगी है। मुझे लगता है अच्छा होने के लिए मुझे बहुत सी कुकीज खानी चाहिए। और मुझे भी। और मुझे भी। और मुझे भी। पेपा और उसका परिवार ग्रैनी पिग और ग्रैंडपा पिग से मिलने आए हैं। ग्रैनी पिग, ग्रैंडपा पिग, ग्रैनी पिग, पापा पिग। हेलो मेरे छोटे बच्चों, अंदर आ जाओ, हमारे पास एक सरप्राइज है। वो क्या है? हमारे पास है एक नया पेट, क्या बता सकते हो वो क्या है? डायनासोर। अरे नहीं, डायनासोर नहीं है वो, आओ और देखो। ग्रैनी पिग और ग्रैंडपा पिग के पास है एक पेट पैरेट। पेपा, जॉर्ज, ये है हमारा पेट पैरेट, इसका नाम है प्रिटी पॉली।
प्रिटी पॉली। प्रिटी पॉली। मैं एक होशियार पैरट हूँ। मैं एक होशियार पैरट हूँ। मम्मी, ग्रैनी जो भी कहती है पॉली उसकी नकल क्यों करता है? पैरट्स ऐसा ही करते हैं। चलो दिखाती हूँ। हेलो पॉली। हेलो पॉली। कितना प्यारा सा पैरट है। कितना प्यारा सा पैरट है। आ जाओ सब लोग, चाय पीते हैं। पेपा, जॉर्ज, आ जाओ, यहाँ चॉकलेट केक है। अरे ग्रैनी। पेपा और जॉर्ज को चॉकलेट खाना पसंद है, लेकिन आज वो वापस जाकर पॉली पैरट के साथ खेलने की जल्दी में है। खत्म हो गया। तुम बच्चे कितना शोर करते हो। ग्रैनी, क्या हम दोनों जाकर पॉली पैरट को देख सकते हैं? क्या तुमने अपना चॉकलेट केक पूरा खत्म कर लिया? फिर तुम जा सकते हो। जॉर्ज, पॉली को कुछ कहो ना। जॉर्ज थोड़ा झिझक रहा है। हेलो। हेलो। पेपा और जॉर्ज को पॉली पैरट के साथ खेलने में सच में मजा आ रहा है। मैं हूँ पेपा पिग। मैं हूँ पेपा पिग। जॉर्ज, कुछ बोलो। पेपा और जॉर्ज पैरट बनने का नाटक कर रहे हैं। मैं हूँ पॉली पैरट। पेपा पॉली पैरट को कहने के लिए कुछ और सोच रही है। मैं एक बातूनी पैरट हूँ। मैं एक बातूनी पैरट हूँ। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम पॉली के साथ खेल रहे हो? जी ग्रैनी। पॉली सच में एक प्यारा पैरट है। हाँ ग्रैनी। मैं एक होशियार पैरट हूँ। मैं एक बातूनी पैरट हूँ। मैं एक बातूनी पैरट हूँ। ओ क्या कहूँ। पेपा और जॉर्ज लुका छिपी खेल रहे हैं। ये जॉर्ज के छुपने की बारी है। उसे जल्दी ही छुपने की कोई जगह ढूंढनी होगी, इससे पहले कि पेपा गिनती पूरी कर ले। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। जॉर्ज को बिल्कुल समय पर छुपने की एक जगह मिल गई है। दस। तैयार हो या नहीं, मैं आ रही हूँ। पेपा को ढूंढना है कि जॉर्ज कहाँ छुपा है। तुम्हें ढूंढ लिया। पेपा ने जॉर्ज को ढूंढ लिया। जॉर्ज, मैं तुम्हें आसानी से देख सकती थी। अब पेपा की बारी है छुपने की। तीन। मैं जॉर्ज की गिनने में मदद करूंगी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस। ठीक है जॉर्ज, अपनी आंखें खोलो।
जॉर्ज को ढूंढना है कि पेपा कहाँ छुपी है। आओ। पेपा मेज के नीचे नहीं छुपी है। जॉर्ज, क्या तुमने ऊपर ढूंढने के बारे में सोचा है? पेपा बिस्तर के नीचे नहीं है। वो कैसी अजीब सी आवाज थी? पेपा पर्दे के पीछे भी नहीं है। फिर से वही अजीब सी आवाज। वो क्या हो सकता है? जॉर्ज ने ढूंढ लिया कि पेपा कहाँ छुपी थी। जॉर्ज ने मुझे ढूंढ लिया। अब डैडी के छुपने की बारी है। मुझे लगता है जॉर्ज को एक और बारी मिलनी चाहिए। लेकिन जॉर्ज को ठीक से छुपना नहीं आता। मुझे यकीन है इस बार वो अच्छा खेलेगा। अपनी आंखें बंद करो और गिनती शुरू करो। एक, दो, ओह डियर, पेपा आसानी से जॉर्ज को ढूंढ लेगी। पाँच, छः, जॉर्ज, यहाँ पर आ जाओ। सात, आठ, नौ, दस। तैयार हो या नहीं, मैं आ रही हूँ। ओह, जॉर्ज मेज के नीचे नहीं छुपा है। लेकिन जॉर्ज तो हमेशा मेज के नीचे छुपता है। क्या तुमने ऊपर ढूंढने के बारे में सोचा? मैं जानती हूँ वो कहाँ है। जॉर्ज खिलौनों की टोकरी में है। ओह। जॉर्ज खिलौनों की टोकरी में नहीं है। वो कहाँ हो सकता है? पेपा को जॉर्ज कहीं नहीं मिला। डैडी, मुझे जॉर्ज कहीं नहीं मिला। ओह डियर, मैं सोचता हूँ वो कहाँ हो सकता है। असल में मुझे लगता है इस न्यूज़पेपर में जॉर्ज के बारे में कुछ है। जॉर्ज, तुम्हें ढूंढ लिया। ओ जॉर्ज, वो छुपने की अच्छी जगह थी। जॉर्ज पूरा समय डैडी पिग के न्यूज़पेपर के पीछे छिपा रहा। पेपा और जॉर्ज प्ले ग्रुप में जा रहे हैं। ये जॉर्ज का पहला दिन है। जॉर्ज, क्या तुम्हें प्ले ग्रुप में जाना अच्छा लग रहा है? डैडी, मुझे लगता है जॉर्ज अभी प्ले ग्रुप के लिए बहुत छोटा है। वो ठीक रहेगा पेपा, और फिर तुम और मिस्टर डायनासोर वहाँ उसके साथ रहोगे। डायनासोर। लेकिन मैं बड़े बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ, ना कि जॉर्ज और उसके डायनासोर से। ओह डियर, पेपा जॉर्ज के साथ प्ले ग्रुप में जाना नहीं चाहती। हम पहुंच गए। डैडी, आपको यकीन है जॉर्ज बड़ा हो गया है? वो ठीक रहेगा। ठीक है, ये आ सकता है। बाय बाय। मैडम गजेल प्ले ग्रुप के बच्चों की देखभाल करती है। हेलो, ये है मेरा छोटा भाई जॉर्ज। हेलो जॉर्ज। काश मेरा भी एक जॉर्ज जैसा एक छोटा भाई होता। सच में? हेलो, मैं हूँ डैनी डॉग। क्या ये डायनासोर है? ये सिर्फ एक खिलौना डायनासोर है। डायनासोर। शानदार।
डायनासोर। डायनासोर ग्रली। आह, सच में डरावना है। ये शानदार है। जॉर्ज मेरा भाई है और वो कमाल का है। पेपा को अपने छोटे भाई जॉर्ज पर गर्व है। चलो हम जॉर्ज को बताते हैं कि तस्वीरें कैसे बनती हैं। जॉर्ज की पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। शायद तुम उनकी मदद कर सकती हो। हाँ, मुझे बहुत अच्छी आती है। मैं इसे दिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करना है। जॉर्ज, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करते हैं। पहले तुम एक बड़ा सर्कल पेंट करो। नहीं जॉर्ज, ये रंग सही नहीं है। अब तुम फूल की पत्तियों को पेंट करो। जॉर्ज, ये सही शेप नहीं है। अब तुम इसकी डंडी और पत्तियां पेंट करो। परफेक्ट। जॉर्ज, तुमने बिल्कुल गलत बनाया है। देखें तो तुमने क्या बनाया है। मैंने एक फूल पेंट किया है। ये बहुत अच्छा है पेपा। और जॉर्ज ने पेंट किया है एक डायनासोर। ये डायनासोर। शानदार। जॉर्ज और पेपा की तस्वीरों को दीवार पर लगाना चाहिए। पेपा, तुम्हें अपने छोटे भाई पर गर्व होना चाहिए। हाँ, मुझे है। घर जाने का समय हो गया और बच्चों के मम्मी पापा उन्हें लेने आ गए हैं। क्या जॉर्ज फिर से आ सकता है? हाँ, और एक अच्छी तस्वीर भी बना सकता है। अगली बार तुम क्या पेंट करोगे जॉर्ज? डायनासोर ग्रली। एक और डायनासोर की तस्वीर। शायद तुम हमें सिखा सकते हो कि डायनासोर कैसे पेंट करते हैं। शानदार। हाँ, शानदार। शानदार। मम्मी पिग एट वर्क। मम्मी पिग अपने कंप्यूटर पर काम कर रही हैं। डैडी पिग लंच के लिए सूप बना रहे हैं। डैडी, क्या हम जाकर मम्मी के पास कंप्यूटर पर बैठ जाएं? हाँ, लेकिन तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे। उन्हें बहुत सा जरूरी काम करना है। शुक्रिया डैडी। मम्मी पिग को आज बहुत सा जरूरी काम करना है। मम्मी, क्या जॉर्ज और मैं आपके गोद में बैठकर आपका काम देख सकते हैं? हाँ, अगर तुम चुपचाप बैठो तो। पेपा और जॉर्ज को मम्मी को कंप्यूटर पर काम करते देखना पसंद है। मम्मी, क्या हम कंप्यूटर पर हैप्पी मिसेस चिकन खेल सकते हैं? हम हैप्पी मिसेस चिकन बाद में खेल सकते हैं, लेकिन अभी मुझे काम करना है। मम्मी, क्या हम आपकी मदद करें? नहीं पेपा, तुम्हें कंप्यूटर नहीं छूना चाहिए। और जॉर्ज, तुम्हें भी कंप्यूटर नहीं छूना चाहिए। हाँ जॉर्ज, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। पेपा रुको। माफ करना मम्मी, मैं सिर्फ जॉर्ज को बता रही थी क्या नहीं करना चाहिए। ओह डियर, कंप्यूटर तो ये सब नहीं करता है। डैडी पिग। डैडी पिग। क्या बात है मम्मी पिग? डैडी पिग, आप कंप्यूटर ठीक कर सकते हैं? जब तक आप कंप्यूटर ठीक करेंगे मैं लंच बना दूंगी। ठीक है मम्मी पिग, लेकिन मैं इन सब के बारे में ज्यादा नहीं जानता। ओह शुक्रिया डैडी पिग। डैडी पिग कंप्यूटर ठीक करने जा रहे हैं। हम्म,
मुझे लगता है कि मैं इसे सिर्फ बंद करके फिर से शुरू कर दूं। डैडी पिग ने कंप्यूटर ठीक कर दिया। हुर्रे डैडी। हाँ, मैं इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। डैडी, क्या हम वो कंप्यूटर गेम खेल सकते हैं, हैप्पी मिसेस चिकन? मेरे ख्याल से तुम्हें मम्मी से पूछना चाहिए। मम्मी ने कहा हम बाद में खेल सकते हैं। फिर ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि डिस्क कहाँ है। अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है। ऊपर क्या चल रहा है? ओह अच्छा, ये कंप्यूटर फिर से काम कर रहा है। जॉर्ज गार्डन में अपनी बॉल के साथ खेल रहा है। पेपा भी खेलना चाहती है। जॉर्ज, ये सही तरीका नहीं है। बॉल इस तरह से पकड़ते हैं। इस तरह नहीं। तुम ऐसा करते हो। पेपा कितनी शैतान छोटी सी पिग है। जॉर्ज, कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। लगता है पेपा जॉर्ज को थोड़ा ज्यादा ही परेशान कर रही है। पेपा, तुम जॉर्ज को परेशान कर रही हो? ये सच नहीं है मम्मी, मैं उसे बॉल पकड़ना सिखा रही थी। मैं खेल जानती हूँ जिससे जॉर्ज सीखेगा गेंद कैसे पकड़नी है। इसे कहते हैं पिगी इन द मिडल। पेपा, तुम बॉल लो और वहाँ पर खड़ी हो जाओ, और जॉर्ज तुम वहाँ पर खड़े हो जाओ। बढ़िया, तुम्हें बॉल एक दूसरे की तरफ फेंकनी है और मुझे कोशिश करके पकड़ना है। मैं हूँ पिगी इन द मिडल। मम्मी है पिगी इन द मिडल। पकड़ो जॉर्ज। ओह, छूट गई। जॉर्ज ने बॉल पकड़ ली। हुर्रे! शाबाश जॉर्ज, अब तुम पेपा की तरफ बॉल फेंको। ओ, फिर कोशिश करो। कोशिश करो। जॉर्ज मम्मी के ऊपर से बॉल नहीं फेंक पा रहा है। रहने दो जॉर्ज, बॉल मुझे दे दो। क्या बात है जॉर्ज, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। पेपा जॉर्ज की नकल करना चाहती है, लेकिन वो बहुत बड़ी है और फंस जाती है।
बॉल मेरे पास है पेपा, अब पिगी बनने की तुम्हारी बारी है। जॉर्ज पकड़ो। हुर्रे! पकड़ लिया। जॉर्ज अब तुम बनो पिगी। जॉर्ज पकड़ो। बॉल को पकड़ो जॉर्ज। पकड़ो जॉर्ज। जॉर्ज पकड़ो। बॉल यहाँ है जॉर्ज। ओ डियर पेपा, तुम्हें जॉर्ज को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। माफ करना जॉर्ज। ये शोर कैसा है? डैडी, जॉर्ज पिगी इन द मिडल खेलने के लिए बहुत छोटा है। मैं जानता हूँ वो काफी बड़ा है। नहीं वो नहीं है डैडी, ये देखिए। इसे पकड़ो जॉर्ज। हुर्रे! ये ठीक नहीं है। हाँ ये ठीक है, मैं सिर्फ जॉर्ज की मदद कर रहा था। मम्मी क्या आप मेरी मदद करेंगी? बिल्कुल करूंगी पेपा। मेरी तरफ जॉर्ज। पकड़ो जॉर्ज। पेपा को बॉल पकड़ना पसंद है, जॉर्ज को भी बॉल पकड़ना पसंद है, सबको बॉल पकड़ना पसंद है। Daddy loses his glasses. डैडी बिग चश्मा पहनते हैं, उन्हें साफ देखने के लिए चश्मा पहनना पड़ता है। जब डैडी बिग चश्मा पहनते हैं तो उन्हें सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन जब डैडी बिग चश्मा उतार देते हैं तो उन्हें चीजें साफ नहीं दिखती हैं, सब कुछ हल्का और धुंधला दिखता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि डैडी पिग को पता हो कि उनका चश्मा कहाँ है। कभी कभी डैडी पिग अपना चश्मा खो देते हैं। पेपा, जॉर्ज, क्या तुमने डैडी पिग का चश्मा देखा है? उन्हें वो कहीं नहीं मिल रहा। नहीं मम्मी। पेपा और जॉर्ज नहीं जानते कि डैडी पिग का चश्मा कहाँ है। ओह डियर, डैडी पिग उसके बिना कुछ नहीं देख पाते और फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। बिना अपना चश्मा पहने डैडी पिग अपना अखबार नहीं पढ़ सकते। ये बहुत अजीब है, मैं कुछ नहीं देख सकता। किसी ने तो मेरा चश्मा कहीं रखा होगा। क्या आपको याद है आपने उन्हें आखिरी बार कहाँ रखा था? जब मैं वो नहीं पहनता तो हमेशा उसे अपनी जेब में रखता हूँ, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। डैडी, क्या हम चश्मा ढूंढने में आपकी मदद करें? अच्छा आइडिया है, अगर उसे ढूंढ लोगी तो डैडी चिड़चिड़ाना बंद कर देंगे। मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा हूँ। पेपा और जॉर्ज डैडी का चश्मा ढूंढ रहे हैं। पेपा अखबार के नीचे देखती है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ नहीं है। जॉर्ज टीवी के ऊपर देखता है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो ऊपर मम्मी डैडी के बेडरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज मम्मी और डैडी पिग के बेडरूम में ढूंढ रहे हैं। जॉर्ज ध्यान से, किसी चीज से टकरा मत जाना। ये कोई मजाक नहीं है। पेपा तकिए के नीचे देखती है, लेकिन डैडी पिग का चश्मा वहाँ भी नहीं है। जॉर्ज डैडी के स्लीपर्स में देखता है, लेकिन चश्मा वहाँ भी नहीं है। चलो बाथरूम में देखते हैं। पेपा और जॉर्ज बाथरूम में ढूंढ रहे हैं।
चश्मा टब में नहीं है। ओह। चश्मा टॉयलेट में भी नहीं है। ओह। ये बहुत मुश्किल है। पेपा और जॉर्ज को डैडी पिग का चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है। हमने सब जगह देखा लेकिन हमें डैडी का चश्मा नहीं मिला। ओह डियर, अब हम क्या करें? लगता है मुझे उसके बिना ही काम चलाना होगा। अगर मैं धीरे चलूंगा तो मैं चीजों से नहीं टकराऊंगा। ये यहाँ है डैडी का चश्मा। डैडी पिग, आप तब से उसी पर बैठे हुए थे। ओह। अब भी ना डैडी। पता नहीं ये यहाँ कैसे पहुँचा। मैं जानती हूँ कैसे। आप थोड़े भुलक्कड़ तो हैं डैडी पिग, लेकिन अब आप चिड़चिड़े तो नहीं हैं? मैं चिड़चिड़ा नहीं रहा था। Thank you.